इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एसएससी में जो टियर 3 का जो पेपर होता है उसके रिगार्डिंग, जो उसमें नंबर दिए जा रहे हैं या जो अभी इस साल देखा गया है कुछ बड़े ही खतरनाक सी चीज़ें हो रही हैं, तो वो आपको ज़रूर नॉलेज में होना चाहिए या आपके टच में ये बातें होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी आगे 21 का भी आपका है। और ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो यार कहीं ना कहीं निराशा हाथ में लगती है कि टियर 2 तक आप हाई स्कोर ला करके भी और ये चीज़ें देखते हो। तो अभी हुआ क्या है कि CGL 2020 का जो टियर 3 का मार्क्स आया, तो 2 दिन तक मान के चलो मैं आपको देखा होगा कि आपने कोई वीडियो नहीं मिल पाया होगा, कि इतने सारे मैसेज कॉल्स कि सर मैंने उम्मीद नहीं करी थी, 60 नंबर मेरे हर बार आते थे, 70 नंबर आते थे और ऐसा दे दिया है, ऐसा दे दिया है। तो यार मुझे भी लगा कि यार हो सकता है कि यार कहीं कुछ लोग कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं मैसेज कर देते हैं फर्जी, लेकिन जो जेन्युइन लोग रहते हैं जो हमसे काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और जब उनके साथ चीज़ें होती हैं तो यार ये वाकई थोड़ा सोचने वाली बात है। तो इसमें एक कॉपी मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, और अगर आपके साथ भी हुआ है और आपने भी RTI फाइल, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी आपको जब ये मार्क्स आया था कि कॉपी कैसे देखी जाती है, तो आप भी अगर आपके साथ भी सेम सिनेरियो है तो आप ज़रूर हम तक कॉपी शेयर करिएगा। एटलीस्ट चीज़ें लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि ये सभी चीज़ें हो रही हैं, राइट। क्योंकि हमने बहुत लंबा टाइम इसमें लगाया है यार और बहुत जान हम फूंक देते हैं इसके अंदर, और देखो कि लास्ट स्टेज पर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो जा रही हैं, भले हमारे हाथ में कंट्रोल में कुछ नहीं है लेकिन पता तो एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कई लोग ये कहते हैं, आपको भी तले देते हैं कि जो टियर 3 में अगर आप पेपर में अच्छा लिखोगे तो यार नंबर देगा आपको, और ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा वो आपके 4-5 नंबर कम कर लेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएगा, और एवरेज देखा जाए 50 से 70 का मार्क्स आता तो इसी के बीच में आता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, CGL तो बहुत कैंडिडेट हैं ऐसे, और आपने देखा होगा कि उसके बाद कट ऑफ कम कराने की बात हुई थी। तो इसमें हम एक कॉपी शेयर कर रहे हैं आप तक, और प्लीज़ अगर आपके साथ भी कुछ है मार्क्स का ऐसा रहा है, कॉपी आपने लगाई है, आप मुझ तक ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं एटलीस्ट चाहता हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं अभी के टाइम में आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए यार ये चीज़ें भी होने लग रही हैं, राइट। ये स्कोर मैंने पहले भी आपको शेयर करा हुआ था, मैंने बताया था उसकी RTI इन्होंने फाइल करी थी कॉपी के लिए, और कॉपी उनको मिल गया, उन्होंने शेयर करा हम तक, और अच्छी बात है कि उनकी खुद की सहमति है कि हाँ लोगों तक ये बात जाए और कम से कम ये चीज़ पता चले। आगे जो 21-22 के लिए लोग भी आ रहे हैं, कम से कम इस चीज़ को लेके भी अलर्ट रहना ज़रूरी है कि यार ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है। स्कोर करने के बाद स्कोर देख के आपको लगेगा पेपर 1 में 182 है, मैथ्स में 170 है, इंग्लिश में 170। यार देखो टियर 1 में 180 स्कोर करना प्लस वही अपने में बड़ी बात है, मैथ्स में भी 170 स्कोर करना, देखो स्कोर कैसा ही है आप सब जान रहे हो, राइट। अगर हम बात करें कि अभी तक 522 टियर 2 तक इनका मिला के है, और अगर हम 32 नंबर देखें यार जो इन्होंने इनकी पूरी ज़िंदगी बदल दिया, देखो ये 32 नंबर आप मान के चलो, ये 60 नंबर 65 नंबर रहता है आपको, और ये कैंडिडेट वो कैंडिडेट जिसके पहले भी एग्ज़ाम लिखे हुए हैं, 65-70 भी स्कोर आए हुए हैं, राइट। तो आप सोचिए ये कैंडिडेट MEA की पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो रहा था, कहाँ आके पटक गया। आपको पता है कि एक एक दो दो नंबर पर स्टेट बदल जाता है, नॉर्थ से साउथ पहुँच जाता है कैंडिडेट, राइट। अब सवाल उठता है कि यार कहीं कॉपी में ही कुछ ऐसी चीज़ें करी गई हो कि, तो हम कॉपी आप तक शेयर कर रहे हैं, तो देखेंगे कॉपी में कैसा है। देखो ये स्क्रीन हो सकता है कि आपको थोड़ी साफ ना देखे क्योंकि स्क्रीन शॉट लेकर देखा गया, इसमें आप ये मार्क्स देख लीजिए मैंने जो टिक करा है, 21 और 11, 21 नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्ट वो आपके ऐसे राइटिंग में, 11 नंबर दिया गया आपका जो प्रेसी आती है उसके लिए, राइट, और टोटल मिला के 32 नंबर हो रहा है आपका। हो गया ऐसा क्या लिख दिया, मैं आपको कॉन्टेंट दिखाता हूँ यार, हो सकता है कि कॉन्टेंट भी आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो, HD प्रिंट कर लीजिएगा और मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। तो दिया गया टॉपिक क्या था आपका, COVID-19 का भारतीय जीवन पर प्रभाव, ये हेडिंग मतलब था आपका टॉपिक, इस पर लिखना था। लिमिट पता है आपको कि 250 रहती है आपकी लिमिट, तो इन्होंने जो कंटेंट लिखा है वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। COVID-19 के भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इससे पहले हमें थोड़ा इसके बारे में समझना होगा, राइट। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करा है। वर्ष 2019 के अंतिम माह में चीन के वुहान शहर में एकाएक कई लोग एक बीमारी से ग्रसित होने लगे जिसके लक्षण काफ़ी हद तक सामान्य जुकाम एवं खांसी जैसे ही थे, तथा इस तेज़ी से फैलती बीमारी के कोरोना को कोरोना ब्रैकेट में जिसका अर्थ होता है मुकुट नाम दिया गया। भारत देश ने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए माह फरवरी मार्च के महीने में इसे महामारी घोषित कर दिया। इस बीमारी का विकराल रूप मई और जून 2020 में सामने आया जब देश में कई विचलित कर देने वाली दृश्य सामने दिखाई दिए और प्रतिदिन
3 से 4 लाख कोरोना केस दर्ज किए गए, राइट। सरकार को परिस्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पहले आंशिक और फिर पूर्ण लॉकडाउन को लागू करना पड़ा। जो लोग दूसरे राज्यों में आजीविका के लिए गए हुए थे उनको कुछ दिनों तक बिना आजीविका के जीवन यापन करना पड़ा, खाने पीने की दिक्कत रही उनको। इस दौरान जब देश में ऑक्सीजन की अत्यधिक आवश्यकता थी तब हमें पेड़ पौधों के अस्तित्व के बारे में पता चला तथा उसकी महत्ता किस हद तक है यह भी पता चला। हालांकि सरकार ने संभलते हुए कारोबार उद्योग में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन को देश की जनता के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही पड़ोसी देशों ने भी मुसीबत के समय भारत का साथ दिया। दूर देशों से भारत के लिए मदद आना भारत की सुदृढ़ होती हुई विदेश नीति को दर्शाता है। भारत देश ने वर्ष 2019-20 से सबक लेते हुए अपने संसाधन को और मजबूत किया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होते हुए भी कोरोना की तीसरी लहर से देश की जनता को कम से कम नुकसान होने दिया। भारत के लोगों और भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को यह दर्शाता है। कोविड-19 के प्रभाव को कम करने में सरकार द्वारा चलाई जा रही डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना इत्यादि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और हम सभी ने इस बीमारी के साथ साथ रहकर जीना भी सीख लिया। देखो, इन्होंने कंक्लूड करा ये और बॉडी पार्ट बीच में इंट्रोडक्शन स्टार्ट में पॉजिटिव नेगेटिव आस्पेक्ट दोनों डाला इसके अंदर। जो आपको दिक्कत एक आध जगह लग सकती है कि जैसे उनको खड़ी लाइन जो है आपके यानी जहाँ पर उनको स्टॉप करना चाहिए था वहाँ पर, जैसे और के बाद सेंटेंस है वहाँ पर भी उन्होंने खड़ी लाइन एक आध छोटी मोटी दिखेगी। तो इसके लिए जो मार्क्स इनको देखो, हम जो भी एवेल्यूएशन है आपका सबका अपना अलग अलग होगा, इसके लिए इनको 21 मार्क्स दिया गया है, राइट। और अब हम आते हैं जो आपका ये है प्रेसी संक्षेपण। प्रेसी का ये रहता है कि जितने भी आपके वर्ड्स में ये लिखा हुआ है, शब्दों में लिखा है, उसका 1/3 लिखना होता है। अगर 260 है तो अगर हम देखें तो 240 है तो आप 85 मान के चल सकते हो, 80 मान लीजिए कि 80 वर्ड्स के अंदर ये पूरा हो जाना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि जो इसका मेन जिस्ट है यानी कि जो इसके मेन कहने वाली बातें हैं वो आपका इसके अंदर रहना चाहिए। साथ में आपको जब भी संक्षेपण लिखना होता है यानी कि प्रेसी लिखना होता है तो आपको उसका एक शीर्षक जरूर लिखना होता है। कई बार ये लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा शीर्षक छूट गया, मैंने नीचे डाल दिया बॉक्स में, नहीं लिखा। देखो, इन्होंने शीर्षक भी लिखा हुआ है, राइट। मादक पदार्थ जो है आपके हैं ड्रग्स वगैरह, उसके रिगार्डिंग ये था आपका। और शराब, वो क्या नाम, गांजा हो गया, शराब हो गया, तंबाकू हो गया, उससे रिलेटेड है आपका। और उसके लिए क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हेल्थ पर, क्या उसका वो है समाज पर इम्पैक्ट, उसके रिगार्डिंग था। कॉन्टेंट आप देखना होगा, देख लीजिएगा। वर्ड्स लिमिट जो है वो 80 मैंने बोला, 80 से 85 का रहना चाहिए आपका। तो जब आप ये पढ़ोगे, आप इनका पैसेज वो पढ़ लेना, प्रेसी पढ़ लेना, तो आपको एक ही जो दिक्कत आएगी वो लगेगा कि यार वर्ड लिमिट का इशू है। आपको लगेगा कि यार 130-140 पहुंच रहा है, राइट, और होना चाहिए 150। देखो यार, ये जो पॉइंट है ना आपका, जो वर्ड लिमिट वाला, जब आप लिखोगे तो यार एक्सीड हो जाता है, 120 भी पहुंच जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि चलो वर्ड लिमिट एक्सीड होता भी है तो क्या ये 11 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि 50 में से क्या ये 11, और क्या ये जो मेन कंटेंट है इसके अंदर वो मिस हो रहा है। आप पढ़ो के पढ़ लेना आप इसको, इसमें आपको कंटेंट मिस होता हुआ नज़र नहीं आएगा। पॉइंट नंबर दूसरा ये भी आपका है कि क्या अगर ये चीज़ फॉलो करा गया है कि वाकई अगर 80 लिमिट या 100 देखा गया है कि 100 से ज़्यादा नहीं क्रॉस होना चाहिए, तो क्या ये सभी के साथ हुआ है। सबसे खास बात तो ये है, राइट, क्योंकि अगर ये है मान लेते तो अगर क्रॉस करा जा रहा है तो कितने पर क्या मार्क्स का डिडक्शन है, ये भी ज़रूरी आपका है। तो आपको भी पता है कि यार ऐसा नहीं है, कई बार देखा गया है कि 250 लिमिट भी क्रॉस करके लोगों ने पूरा पेज भरा है तो भी मिलता है। और आपको कॉपियाँ ऐसी मैं दिखा दूंगा, अभी डिस्क्रिप्टिव के आएंगे मार्क्स, मैंने बोल रखे हैं, शेयर कर दूंगा आप तक। देखिएगा, आप देखोगे 65 भी पाया हुआ है, आपको मिलेगा 120-130-140 वर्ड लिमिट मिल जाएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। और आप भी लिख के आए हो, आपको मिला हुआ, आप जानते हो इस चीज़ को, राइट। तो ये चीज़ें हैं, किस स्तर तक चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है, आप तक बस चीज़ें लेके आना था मैंने आपको सोचा। बाकी आपके भी हैं मार्क्स, आप शेयर करिए जो भी चीज़ें हैं। देखो, इसीलिए डिस्क्रिप्टिव वो कहते हैं लक बेस्ड, यार इस कैंडिडेट ने क्या सोच रखा होगा, क्या है, कहाँ है,
अब वो वही समझ रहा होगा ना, इतना आसान नहीं होता यार स्कोर लाना। ऐसा भी नहीं कि ये एग्ज़ाम हर साल हो रहे हैं, हम दोबारा फिर से दे दिए और कल फिर हमारा स्कोर आ गया। बहुत मेहनत से काफ़ी स्कोर करना पड़ता है इतना मार्क्स वगैरह दे करके। और आप सोचो कि 30 नंबर कम करके यार 50 नंबर दे देते तो कम से कम उससे भी उसको बहुत अच्छा कुछ बेनिफिट मिल जाता, राइट। बाकी कोई नहीं, अपने जवाब लिखिएगा आप कॉपी का, जो भी आपको नेगेटिव जो भी लग रहा है आप अपने व्यूज़ लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर। और बाकी आपका भी कोई वो है टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और आपका जो टाइपिंग का टेस्ट है वो देख के आइए। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस तो चल रहा है, मैं आपसे बहुत जल्दी जुड़ रहा हूँ आपके डिस्क्रिप्टिव के पेपर के, आपका टाइपिंग के टेस्ट के बाद।